हे एवरीवन, वेलकम बैक टू अनदर वीडियो। और ये वीडियो बाकी सारे वीडियो से अलग होने वाला है क्योंकि ये एक चैलेंज वीडियो है, 24 आवर चैलेंज वीडियो रेडी टू ईट वाला। तो हम लोग आज पूरे दिन 24 आवर्स पूरा रेडी टू ईट ही खाने वाले हैं। तो चलिए, पहले तो अभी ब्रेकफास्ट का टाइम है तो ब्रेकफास्ट से शुरुआत करते हैं, लेट्स गो। सो लेट मी शो यू द ब्रेकफास्ट आई एम गोना ईट। तो ये है उपमा और ये है पोहा, और इन दोनों को मिला कर कितनी कैलोरीज होंगी, कैन यू गेस? और मुझे खुद ये देख करके शॉक लगा है, आई मीन दोनों मिला करके 500 कैलोरीज हो रही है, 250 ईच, और आई डोंट नो हाउ। ओके, तो इसका प्रिपरेशन पार्ट दिखाता हूँ कि ये क्या लिखा हुआ है। तो इसके बैक साइड में आप अगर देखेंगे तो यहाँ लिखा हुआ है 45 ml ऑफ बॉइलिंग वाटर डालना है, मतलब कि एकदम खौलता हुआ पानी डालना है, और उसके बाद लिड कवर कर लेना है और 3 मिनट्स के बाद ये प्रिपेयर हो जाएगा। सो लेट्स डू द स्टफ और फिर उसके बाद देखते हैं कितना क्वांटिटी होता है। पोहा से तो खैर थोड़ा उम्मीद है क्योंकि आई नो पोहा थोड़ा फूलता है, सो अगर ये हल्का फुल्का भी लग रहा है तो थोड़ा क्वांटिटी बनना चाहिए। सो पोहा का पैकेट मैंने ओपन कर लिया है और अंदर एक बार आप देख सकते हैं ये जो फ्लैटेंड राइस आपको दिख रहे होंगे, और बेसिकली ये मुझे थोड़े से फ्राइड भी लग रहे हैं। और ठीक है, चलो इसे बाउल में निकालते हैं। सो बाउल को कवर करने जितना क्वांटिटी है। ओके, स्मेल तो पोहा वाला ही आ रहा है तो अच्छा होना चाहिए। और अब चाहिए 45 ml वाटर। तो अब उसके लिए क्या करने वाले हैं कि स्पून, जो एक स्पून जो वाटर होता है लगभग 5 ml होता है, तो उसको 9 बार लेकर के इसमें डालेंगे। चलिए, सो दिस मच अमाउंट ऑफ वाटर चाहिए मुझे। और अब ये बोलेंगे ये तो स्पून नहीं है। हाँ तो ठीक है, नाप लिया है मैंने, उससे क्या हुआ। तो चलिए इसे पोर कर लेते हैं इसमें। ओके, इसमें हमने पोर कर दिया है। अब बस करना ये है कि इसका लिड कवर करना है, मतलब कुछ भी प्लेट लेकर के आप इसे ढक दीजिए और काम हो जाएगा। ओके, मैं इसे ढक देता हूँ पहले। ओके, सो पोहा रेडी होने के लिए चला गया है और ये जो उपमा है मैंने ओपन कर लिया है, और इसके अंदर आप चेक करेंगे तो ये फ्राइड है। ठीक है, ये भी उसी तरीके से हल्का स्टर फ्राइड किया गया है, और साथ ही साथ मुझे पीनट्स के कुछ चंक्स दिख रहे हैं। और ये रेड चंक्स क्या है? ये तो हाइड्रेटेड, मतलब सॉरी डिहाइड्रेटेड टोमेटो ही लग रहा है मुझे, आई होप सो यही है। ओके, सो इसे भी मैं साथ में रेडी कर लेता हूँ और पोहा और उपमा दोनों को साथ में लेकर के मिलते हैं। चलिए, ओके, सो हियर वी आर बैक अगेन, और मैं दोनों ही पोहा और उपमा दोनों के साथ रेडी हूँ। और आप दोनों का ही लुक देखो, बिल्कुल ही लग रहा है कि फ्रेश बना हुआ है, किसी भी तरीके से ये नहीं लग रहा कि पैकेज्ड फूड है। ठीक है, ये देखो, किसी भी तरीके से बिल्कुल भी नहीं लग रहा है कि ये पैकेज्ड है, बिल्कुल अभी अभी बस बनाया हुआ है, बिल्कुल वैसा ही लग रहा है। तो आई होप सो कि ये टेस्ट में भी बिल्कुल वैसा ही हो, क्योंकि देखिए बिल्कुल ही खिला खिला सा है ये देखिए, और सारा कुछ इसमें बिल्कुल है, पीनट्स हैं, रेजिन्स हैं, सारे कुछ हैं। तो आपको क्यों ही डाउट होगा कि ये, मतलब कि मुझे नहीं लगता है कोई बता पाएगा। लुक वाइज तो बिल्कुल नहीं, टेस्ट वाइज चेक करते हैं। ओके, टेस्ट के बारे में बताने से पहले ये आप इसका पैकेट दोबारा देखें, ये खट्टा मीठा वाला पोहा है, एक नमकीन वाला भी पड़ा हुआ था बट मैंने इसे ही ट्राई करने के बारे में सोचा क्योंकि ये मेरे लिए थोड़ा सा यूनिक था। और पोहा का टेस्ट जनरली अच्छा है, और ये जो खट्टा मीठा फ्लेवर ये किसकी तरह आ रहा है मैं बताना चाहूँगा। हल्दीराम का एक मिक्सचर आता है वो खट्टा मीठा वाला, बिल्कुल वैसा वैसा सा खटमीठ है इसमें से उसका टेस्ट। ठीक है, और बाकी पोहा का टेस्ट जनरली अच्छा है। लेट्स मूव ऑन टू उपमा। ओके, काफ़ी अच्छे से जम गया है लगता है, चलिए टेस्ट करते हैं इसको भी, पहले थोड़ा सा मिक्स कर लेते हैं। पहले तो ये ऑरेंजिश क्या था इसको चलो चेक कर लेते हैं, क्योंकि आई वॉज थिंकिंग ऑफ कि ये टमाटर है। ये टमाटर ही है। ओके, लेट्स ट्राई दिस। इसका भी टेस्ट काफी अच्छा है, मतलब कि बहुत लोग सोचते हैं कि उपमा इज नॉट काइंड ऑफ टेस्टी। आप ये ट्राई कर सकते हैं, आपको ये झटपट में बन भी जाएगा और शायद आपको उसके बाद उपमा अच्छा लगने भी लगे। और ये उपमा काफ़ी अच्छा है, बट ये पैकेट का प्राइसिंग मैं आपको बताना भूल गया।
ये दोनों ही प्रोडक्ट 25 रुपीज़ ईच के पैकेट हैं, ठीक है, और क्वांटिटी वाइज एक प्रोपोर्शन के हिसाब से, एक सर्विंग के हिसाब से ठीक है, ठीक है। बट 25 रुपीज़ में आप सोच रहे हैं कि बहुत ज़्यादा क्वांटिटी मिलेगा, तो इट्स नॉट लाइक दैट। बट हाँ, जैसे स्नैकिंग के टाइप से जितना एक क्वांटिटी होना चाहिए, लाइक मतलब वन बाउल, तो उतना क्वांटिटी है इसका, मैंने बता दिया। और ये 25 रुपीज़ का कॉस्टिंग है इसका। तो लंच में मिलते हैं, चलिए। 3 hours later. So it's lunch time, और मेरे पास लंच के लिए है सरसों का साग और कैन फूड। कैसे होते हैं मुझे बिल्कुल नहीं पता है, और लिटरली मेरा इसका साथ एक्सपीरियंस कैसा होने वाला है वो तो बाद में बात देखेंगे, बट एक्सपेक्टेशन फिलहाल मेरा डाउन है। और देखते हैं, इसका प्राइसिंग 95 रुपीज़ है, और जो इसका शेल्फ लाइफ है, 2 साल का शेल्फ लाइफ है इसका। तो इसके कंटेंट्स पे एक बार चेक कर रहे हैं, तो 80% इसमें वही सरसों लीव्स है, और बाकी थोड़े बहुत प्याज और थोड़े बहुत पालक, कॉर्नफ्लावर, वेजिटेबल ऑयल और बाकी सारे मसाले, ये सारे कुछ पड़ा हुआ है। और बनाने के लिए कुछ भी ऐसा खासा ये नहीं है, बस इसको ओपन करो और डायरेक्टली कंज्यूम कर सकते हैं। बट वी विल हीट इट, ठीक है, इसको एक बार हीट करेंगे और फिर उसके बाद ही कंज्यूम करेंगे। लेट्स डू दिस। तो इसमें से अभी भी बहुत ज़्यादा खड़े मसाले का मतलब कि स्मेल आ रहा है, और काफ़ी शार्प स्मेल है। सो हैव अ लुक कि ये कैसा दिख रहा है, ठीक है। काफ़ी पेस्टी सा कंसिस्टेंसी है, इतना पेस्ट तरह का साग तो हमारे घर में नहीं होता है, चंकी रखते हैं हम लोग थोड़ा सा, बट फिर भी पहले इसे ऐसे ही टेस्ट करते हैं। इसके बारे में पहले थोड़ा सा एक बाइट ले लेते हैं। मैं इसके साथ खाने के लिए लच्छा पराठा लेकर के आया था, रेडी टू ईट वाला भी कर सकते थे, बट उसका स्टोरी क्या है वो मैं आपको बाद में बताऊंगा। अभी फ़िलहाल जो ले आया हूँ वो ट्राई कर लेता हूँ इसके साथ कि कैसा लग रहा है, उसके बाद देखा जाएगा। एक बाइट बनाते हैं और ट्राई करते हैं। सिंपल बोलूँ तो काफ़ी ज़्यादा मतलब कि कैसे बताऊँ, रफ सा है, यानी कि जैसे कोई फर्स्ट टाइम किसी ने साग बनाने की कोशिश की हो, कुछ ऐसा सा है। मैंने पहले ही बोल दिया था मेरे को इससे ज़्यादा एक्सपेक्टेशंस नहीं है, और आई वॉज़ राइट, ये अपने एक्सपेक्टेशंस को पूरा बिल्कुल नहीं कर पाया। आई नो ये रेडी टू ईट है, सो बहुत ज़्यादा एक्सपेक्टेशन इससे रखना भी नहीं चाहिए, बट फिर भी इट्स नॉट अप टू द मार्क कि हाँ मैं ये पूरा फिनिश नहीं करने वाला हूँ। आई एम स्पीकिंग हियर राइट नाउ, तो आई एम सॉरी फॉर दैट, बट जाते हैं मेस में ही जो लंच बनाया वही ट्राई कर लिया जाएगा, ये मुझसे नहीं होने वाला है, सो इट्स अ फ्लॉप। सिक्स एंड अ हाफ आवर्स लेटर। यो, सो आई एम बैक अगेन, और इस बार सबसे ज़्यादा एक्सपेक्टेशन और सबसे ब्यूटीफुल पैकेजिंग वाले चीज़ के साथ हम लोग ट्राई करेंगे। तो लिटरली डिनर का टाइम के लिए मैंने बचा के रखा था, क्योंकि इसको मैं दिन पे भी शिफ्ट कर सकता था, बट मुझे ये सबसे ज़्यादा अच्छा लग रहा था, और आई एम अ काइंड ऑफ पर्सन जो कि सबसे अच्छे लगने वाली चीज़ सबसे आखिर में ट्राई करता है। सो लेट्स बिगिन, इसको बनाते हैं। और इसमें 3 तरीके का सिस्टम बनाया हुआ है कि इसे आप कुक कर सकते हैं। पहला जो सिस्टम आपको दिख रहा होगा वो ये है कि आप मतलब कि खौलता हुआ पानी में इसको पूरा पैकेट समेत, ठीक है, डाल दें, और उसमें 5 मिनट इसको छोड़ना है, उसके बाद कट करके ओपन करके इसे सर्व कर लेना है, ठीक है। दूसरा प्रोसेस ये है कि आप इसको डायरेक्टली मतलब कि कुछ कंटेनर में डाल करके आप हीट फ्लेम दे सकते हैं, 2 मिनट तक इसे पका सकते हैं। और थर्ड वाला माइक्रोवेव का ऑप्शन है, ठीक है। तो पहला वाला प्रोसेस हम लोग बिल्कुल नहीं करने वाले हैं, प्लास्टिक में कौन ही पकाएगा, और सेकेंड वाला प्रोसेस से ही हम लोग जाने वाले हैं। तो पनीर का लुक काफ़ी अच्छा है, ये मुझे प्रॉमिसिंग लग रहा है। हैव अ लुक, ये देखिए, सब ग्रेवी अच्छा तो लग रहा है, बट एक चीज़ है, आई डोंट नो व्हाई दे हैव रिटर्न टू सर्व के लिए ये चीज़ इनफ है। गिन के मैंने 8 या 9 पीस देखे थे, 9 पीस शायद देखे थे पनीर के, ठीक है, एंड आई डोंट थिंक सो 9 पीस पनीर में 2 लोग खाएंगे, ना ना ना। वेल लेट्स टेस्ट द ग्रेवी फर्स्ट।
दे हैव रिटर्न ऑन द पैकेजिंग कि इसमें कैश्यूज है, नट है और काफ़ी कुछ है, तो ग्रेवी में तो वो फ्लेवर है, मतलब कि नट्स का फ्लेवर है. ओके अब पनीर को ट्राई करते हैं. पनीर भी अच्छा खासा सॉफ्ट है और काफ़ी अच्छा ही लग रहा है. आई मीन आई डोंट नो फ्रोजन होने के बाद भी ये कैसे वैसा है, बट ये थोड़ा ग्रेनी नहीं लग रहा मुझे. आई मीन इसका टेक्सचर थोड़ा थोड़ा टोफू सा है. इसको ट्राई करने के लिए इस बार मेरे पास बटर नान है, तो उसके साथ ही इसे ट्राई करते हैं. ओह गरम 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 गरम. हैव अ लुक ओवर. या ओके ऑनेस्टली स्पीकिंग टेस्ट अच्छा लग रहा है इसका और रेडी टू ईट के हिसाब से काफ़ी अच्छा है और वर्थ गिविंग टू ट्राई लगता है मुझे, क्योंकि पनीर बटर मसाला का रेट बाहर है अच्छा खासा, बट उसमें क्वांटिटी भी होती है, इसमें क्वांटिटी बिल्कुल भी नहीं है. ये मेस में 5 पीस देता है और इसमें 8 पीस देता है, क्या खासा डिफरेंस है. और क्यूब्स भी पनीर के काफ़ी छोटे हैं, आई हैवन शोन यू ना, बट रेडी टू ईट के हिसाब से टेस्ट ठीक है इसका. आई मीन सरसों के साग के जैसा धोखा तो नहीं है इसमें. ओके इस वीडियो को एंड करेंगे कुछ मीठे के साथ और मेरे पास मीठे में ये है, तो ये है केसरी हलवा. ठीक है, बेसिकली ये सूजी का हलवा है विथ सम एडेड फ्लेवर्स ऑफ केसर, तो इसे भी बिल्कुल वैसे ही रेडी करना है. बस इसमें थोड़ा सा डिफरेंस ये है कि इसमें 45 ml के जगह 50 ml लेना है, जैसा हमने ब्रेकफास्ट में लिया था उससे थोड़ा सा 5 ml बढ़ा लेंगे, तो कोई बात नहीं 9 से 10 चम्मच कर लेंगे. सो यू कैन चेक आउट अंदर क्या है, और काफ़ी फाइन है. इसके जो सूजी के पार्टिकल्स होते हैं थोड़े दानेदार होते हैं, बड़े बड़े होते हैं, आप उसको नोटिस कर सकते हैं, बट ये बहुत ही ज़्यादा फाइन है. और इसकी एरोमा की बात करूँ तो काफ़ी अच्छा खुशबू आ रहा है. आई डोंट नो कि ये नेचुरल फ्लेवर है या फिर आर्टिफिशियल, बट फ्लेवरिंग इसका बहुत ही अच्छा आ रहा है. आई मीन एरोमा जो इसका आ रहा है ना केसर का, बहुत ही अच्छा आ रहा है. और आई एम विशिंग वेरी मच कि इसका टेस्ट भी उतना ही अच्छा हो, क्योंकि खुशबू से तो लिटरली आई एम एक्सपेक्टिंग वेरी मच. ओके नॉट गोना बोर यू विद द सेम स्टफ, इसको जल्दी से प्रिपेयर करते हैं और फिर इसके ला के दिखाते हैं कि ये हलवा कैसा है. ओके सो केसर हलवा इज़ रेडी. ठीक है, और जैसा मैंने पहले ही बोला था, इसकी खुशबू काफ़ी अच्छी आ रही है और वो अब भी आ रही है, तो इसे बिना किसी देरी के हम लोग ट्राई करेंगे, क्योंकि काफ़ी अच्छा सा सेंट आ रहा है इसमें से. तो पहले से कलर देखो, केसर लिखा है तो कलर पीला पीला ही है पूरा. ठीक है, ओके सो फ्लेवर की बात करूँ तो काफी अच्छा फ्लेवर है, केसर का फ्लेवर एकदम उभर के आ रहा है और कुछ पीसेस ऑफ काजू भी मुझे दिख रहे हैं. और आई वुड प्रिफर कि इसमें पानी की जगह दूध क्यों नहीं डाला जा सकता है. आई मीन दूध ज़्यादा अच्छा इसके साथ लगेगा. वेल इसके साथ दूध के साथ साथ कुक करना पड़े, क्योंकि उतना अच्छा एब्जॉर्बेंट नहीं हो पाएगा ना. सो कैसा लगा आपको ये 24 आवर चैलेंज, आप ये कमेंट करना ना भूलें. और ये कुछ नया हमने ट्राई किया था तो ये भी बताना ना भूलें कि आपको कैसा लगा. सो ऐसे ही कंटेंट्स के लिए आप इस चैनल को सब्सक्राइब कर लें. सो मिलता हूँ आपसे अगले वीडियो में. टिल देन बाय.